टकली सारा चावल। तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है आप लोगों को बताएंगे ना कि हम लोग का हो समाज में ना कैसे होता है हारोम। हारोम क्या होता है? हारोम मतलब हम लोग का एक हेल्प होता है, वो हम लोग का जरूरत में भी हेल्प होगा, मतलब गाँव वाला हेल्प करेगा, उन लोग का भी कभी दिन जरूरत होगा तो हेल्प होगा उन लोगों को भी। मतलब हम लोग ना आज जा रहे हैं मरण मृत्यु जगह। माँ को देखिए, वो रेडी हो गई है पूरा साड़ी सब पहन करके, बाबा चल गए हैं नहाने के लिए। और अभी है ना गांव वाला लोग, मतलब हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, हम लोग का अपना इस घर में कुछ होगा डेथ तो वो लोग भी ला देगा, मतलब इस घर में कोई दुख होगा मरण वाला तो पूरा गांव वाला लोग चावल और पैसा ला देते हैं, जिसका जैसा है, मतलब जो जितना ला सकता है, मतलब उन लोग का भी उतना ही दिया जाएगा, मतलब ये मेंटेन किया जाता है, तो ऐसा हेल्प होता है। तो दोस्तों अभी माँ लोग जा रही है, तो दोस्तों देखिए अभी हम लोग के गांव से इतना कोई ला दिया है और हम लोग का हटो बोल रहे हैं कोई इधर, और इधर पैसा भी ला दिया गया है, कोई 100 रुपया, कोई 50, तो कोई 20, या जो है जिसको जिसका घर से जैसा आता है वैसे हम लोग भी देते हैं। तो ऐसे हम लोग लिख दिए हैं, मतलब ये कॉपी रहता है उसमें मेंटेन किया जाता है। और दोस्तों चावल सब कोई ला देते हैं, ऐसा वाला टुंकी में ला देते हैं, देखिए कभी भी किसी के घर में मरण वाला होगा ना तो वो लोग ऐसे वाला टुंकी में ला देते हैं, और किसी के घर में शादी तो वो वाला खांची ऐसा रही क्या बोलते हैं उसको, टोकरी बोलते हैं, थोड़ा चांगरी बोलते हैं, चौड़ा मुँह रहता है उसमें, उसमें तो हम लोग किसी को ये मतलब ले जाते हैं ना तो चावल ले जाते हैं, आलू प्याज दाल ये सब चीज लाते हैं। और देखिए यहाँ पे सबके घर से चावल आया है, उसको डाले हैं अलग अलग, मतलब ये सब ले जाएंगे लेकिन, और किसी के भी घर में। और दोस्तों बाबा यहाँ पे मतलब अलग से लाए हैं, ये सब लाए हैं ये क्या बोलते हैं मिक्सर लाए हैं, चीनी लाए हैं और नमक। हाँ जैसे वो लोग जिसके घर में भी दुख हुआ है, मतलब कुकू का बेटा नहीं रहा है वो डेथ कर गया, तो दाल और चना और चाय पत्ती, जैसे बहुत कोई हाँड़िया उड़िया नहीं पीते हैं तो उन लोग के लिए मतलब चाय वगैरह उन लोग को बना के देने के लिए ये सब, ये चाय पत्ती चावल। हाँ मूढ़ी है एक बोरा, मूढ़ी एक बोरा लाए हैं, और यहाँ पे तेल है, ये सब चीज बाबा लाए हैं, क्योंकि मतलब गाँव से जो हरम होता है ना उसमें चावल और पैसा खाली हरम होता है, हम लोग भी चावल और पैसा ही देते हैं गाँव वाला लोग को, उन लोग भी ऐसे नियम बना हुआ है कि वो लोग। और देखिए ये टकली ले आई है मुनी, दादू कल ले आए हैं ना टकली, दादू और मास्टर दिया था उतना लाए आओ टकली इसको पकड़ो। तो दोस्तों ऐसे होता है, मतलब हम लोग का गांव घर से इन्फॉर्म कर देते हैं, तो सारा चावल को दूसरा एक बोरा में डाल देते हैं, डाल देंगे। और हाड़िया एक चट्टू आया है, देखिए हम लोग का घर में ही हाड़िया बनता, लेकिन ऐसा पता नहीं था ना कि ऐसा वाला दुख वाला खबर आएगा और वहां हम लोग को ले जाना पड़े, मतलब ले जाना होगा बोल के इसमें राशि बना हुआ है, ई वाला ले जाएगी वो लोग, और आप लोगों को देखने मिलेगा वो लोग कैसे जाएगी, माँ और बाबा जाएंगे और मुर्गा नहीं, मुर्गा तो हम लोग का यह के लिए है हम लोग का। तो आप लोगों को वीडियो भी लाएंगे हम लोग, आप लोगों को देखने मिलेगा ना, हम लोग का मूठ होने वाला है, ठीक है, मूठ के लिए मुर्गा खरीद करके लाए बाबा दोनों। बाबा बोलते ना 1500 इधर साइड में मुर्गा का बहुत रेट है, क्योंकि हम लोग का हो समाज में बहुत सारा काम में मुर्गा पूजा होता है, मुर्गा पूजा होता है घुसी मुर्गा पूजा होता है, और भी बहुत सारा काम में हम लोग का मुर्गा का यूज है। तो दोस्तों गांव वाला लोग है ना सबको लाला करके ऐसे खबर दे दिया जाता है कि हम लोग वहाँ जा रहे बोल करके, हम लोग अपना घर में तो वो लोग लाता ही है, जैसे इस घर में कुछ दुख हुआ तब तो आए गए गांव से ये सब चीज चावल और पैसा, और बाकी इस घर से या गाँव वाला लोग कहीं जाता है रिश्तेदार में कोई डेथ होता है तब भी वो लोग इन्फॉर्म कर देता है ना तो ला देता है, ऐसा नियम बना हुआ है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों आप लोगों के समाज में भी इस तरह का कुछ होता है क्या, मतलब ऐसा वाला हम लोग का जैसे हमें हो रहा है ऐसा वाला। तो दोस्तों ये सब सारा कुछ ले जाएगी पैसा भी, और ये क्या बोलते हैं इसको जितना
जितना भी चावल सब आए है ना वो सब भी ले जाएगी उन लोग के लिए, जहाँ भी जाएगी कुकू का घर। मझगांव जा रही है वो लोग। आप लोग मुझसे बताइए किसका किसका, बहुत कोई मझगांव से भी कमेंट करते हैं पता है, कोई तो उनका नाम हमको एक्चुअली याद नहीं है अभी। तो दोस्तों अभी जितना भी सामान आया है ना, कोई सामान नहीं रहेगा घर में, वो उन लोग लेकर के ही जाएंगे सारा सामान। तो हम लोग ये सब जल्दी से पैक कर देंगे और ये सब लेकर के उन लोग गाड़ी में जाएंगे, क्योंकि मतलब जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ यहाँ से बहुत दूर है, थोड़ा सा ज़्यादा ही दूर है। तो दोस्तों बताइए कौन कौन मझगांव से हैं, और कोई तो कमेंट करते थे हमको नाम याद नहीं है उनका, लेकिन वो बोलते थे कि आना रिपब्लिक डे में, मतलब वहाँ पे झांकी वगैरह होता है। तो चलिए जो भी है मझगांव से उन लोग को भी ये खबर तो मिला होगा, क्योंकि गांव वाला सबको खबर मिलता है ये वाला। तो दोस्तों माँ आप दोनों जाएगी गांव, मतलब ये वाला माँ और बाबा जाएंगे, और गांव से भी कुछ लोग जाते हैं, जैसे माँ दोनों का भी रिश्तेदार में ऐसा हुआ है तो वो दोनों जाएगी, उसके बाद गांव वाला भी कोई लोग जाते हैं, लेडीज लोग भी जाते हैं और जेंट्स लोग भी जाते हैं। तो लोग गाड़ी करके जाएंगे, तो गाड़ी का बुक हो गया है, उन लोग टाइम से आ जाएगा, बस इन लोग को रेडी होना है। तो दोस्तों अभी हम लोग का गाड़ी लग गया है, और अभी मेरी हिली डी एंग लेकर के जा रही, देखिए वहाँ गाड़ी तक पहुँचाने के लिए। और अभी हम ले जाएंगे ये सब चीज जल्दी से, दो टेम्पर भी ला रही इधर। तो दोस्तों देखिए इधर चावल ना टेम्पर, और इधर बहू रेडी हो गई है, अभी जा रहे हैं। बहू जा रही है और एक भाभी जाएगी, मम्मी तो नहीं जाएंगी, हम तो छोटा तो पत्नी ही जाएगी, वो तो रेडी होकर के आ रही है, तो ये लोग जाएगी। बाय बाय कर दिया, अभी ये लोग चलिए